मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले मैंने आपको जो है बीज एवं फल के निर्माण के बारे में बताया था। अब हम चल रहे हैं, कुछ इसमें शेष रह गया है। इसमें एक पॉइंट रह गया है, जनन की विशेष विधियां, जनन की विशेष विधियां स्पेशल मेथड्स फॉर स्पेशल मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें जो है तीन विधियां, नंबर वन है आसंजन, आसंजनन, एपोमिक्सिस। दूसरा आविषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। और तीसरा जो है बहुभ्रूणता, तीसरा बहुभ्रूणता पॉलीयुग्मियन। इस प्रकार से ये तीनों जो है जन्म की विशेष विधियां हैं। प्रथम को कहते हैं आसंजनन, दूसरे को कहते हैं आंशिक फलन, और तीसरे को कहते हैं बहुभ्रूणता। आइए, आसंजनन क्या है? आसंजनन की खोज जो है विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की 1908 में की आसंजनन क्या है? जब पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन मीन्स नर मादा युग्मकों का संयुग्मन यौन अर्धसूत्री विभाजन, यौन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, और जब इन दोनों की अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे आसंजन कहते हैं। जब पौधे के जीवन चक्र में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, और जब इन दोनों क्रियाओं के अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं?
आश्रम धर्म कहते हैं। आश्रम धर्म जो है ये दो प्रकार का होता है, इसे दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, प्रथम को कहा जाता है काय धर्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरे को आनिषेय बीजता कहा जाता है। दूसरे क्या कहते हैं, आनिषेय बीजता एक गैमो इसकर्मी कहते हैं। तो आसंजनम कितने प्रकार का है, होता है दो प्रकार का, प्रथम को कहते हैं कायजन और दूसरे को कहते हैं आनिषेक बीजता। ध्यान दीजिए कायजन का एग्जाम्पल है गन्ना, गेहूं, आलू। ध्यान दीजिए कायजन में बीज नहीं बनता है, कायजन में इसका एग्जाम्पल क्या है, गन्ना और आलू। कायजन में बीज नहीं बनता है, इसमें एक ऐसी कलिका जो है जो तने या पत्ते के ऊपर उत्पन्न होती है, उससे जो होता है नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें कायजनन में जो होता है बीज का निर्माण नहीं होता है, और इसमें एक ऐसी कलिका जो तने या पत्ते के ऊपर उत्पन्न होती है उससे जो होता है नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे गन्ना और आलू। सेकेंड आइए आनिषेय बीजता, आनिषेय बीजता क्या है, ध्यान दीजिए जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है बीज का निर्माण होता है, तो उसे आनिषेक बीजता कहते हैं। जब पौधों में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है तो उसको जो होता है आनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें जनन बीज के द्वारा होता है, इसके द्वारा जनन बीज के द्वारा होता है। परंतु बीज के निर्माण में, संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो आसंजनन क्या है, जब पौधों में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण नहीं होता है, तो उसे आनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें जनन बीज के द्वारा होता है, परंतु जो होता है बीज के निर्माण में जो है संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ये भी जो होता है कई प्रकार का होता है, नंबर वन जो है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव
एडवेंटिव इम्ब्रियन, एडवेंटिव इम्ब्रियन दूसरा जो है द्विगुणित बीजांडता, द्विगुणित बीजांडता डिप्लोस्पोरी, तीसरा आगुणित, आगुणित आनिषेक जनन, आगुणित आनिषेक जनन हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉयड पार्थेनो जेनेसिस, और चौथा जो है चौथा अपबीजांडता, अपबीजांडता एपोस्पोरी। इस प्रकार से जो है आनिषेक बीजता ये चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार के, ऐसे चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए ध्यान देंगे, अपास्थानिक गुणता जो है ये विशेष रूप से जो है एग्जाम्पल में आम, नींबू और जो होता है नाखनी, नाखनी में पाया जाता है। इसमें जो है अपास्थानिक गुणता में जो है बीजांड का है, बीजांड का है या अध्यावरण, अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं, ये कुछ कोशिकाएं वृद्धियों विभाजन के द्वारा, वृद्धियों विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रूण का निर्माण करती है, जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित डिप्लॉय टू एन होती है। इसका एग्जाम्पल है आम, नींबू, नागफनी। इसमें जो है इस क्रिया में बीजांड का या अध्यावरण, बीजांड के बीजांड का या अध्यावरण कि कुछ कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजन के द्वारा ऐसे भ्रूण का निर्माण करती हैं जिसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं द्विगुणित होती हैं, तो उसे जो होता है अपास्थानिक भ्रूणता कहते हैं। छात्रों, इंक खत्म हो गया, मैं इंक डाल रहा हूँ पेन में।
तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 20 का क्या है, जब बीजांड के बीजांड का या अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं वृद्धि यौन विभाजन के द्वारा ऐसे भ्रूण का निर्माण करती हैं जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, तो उसको जो होता है अपस्थानी भ्रूण का जो होता कहते हैं। एग्जाम्पल में जो है आम नींबू और नाखनी में जो है इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दूसरा ये द्विगुणित बीजांडता डिप्लोस्पोरी ये खास करके ये क्रिया जो होती है ये आइजेरिक्स डेंटाइटा और राप्सकम एल्बेडियम पौधे में जो होता पाया जाता है। द्विगुणित बीजांडता क्या है, जब जो है दीर्घ बीजांड मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्र विभाजन के भ्रूण कोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है, तो उसे द्विगुणित बीजांडता कहते हैं। जब पौधों में दीर्घ बीजांड मातृ कोशिका से बिना अर्धसूत्र विभाजन के भ्रूण कोष का निर्माण होता है तो जो है उसको जो है द्विगुणित बीजांडता कहते हैं। ये जो है भ्रूण कोष की इसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, भ्रूण कोष की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। यदि इस प्रकार के भ्रूण कोष भ्रूण कोष की अंड कोशिका से नर युग्मक के संयोजन या संयुग्मन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को या उसे जो होता है द्विगुणित, तो उसे द्विगुणित अनिषेक जनन
जो इंग्लिश आर निषेचन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, छात्रों अभी मैं आपको जो है द्विगुणित बीजार्थक के बारे में बता रहा था, वीडियो कट होने के कारण वो मैंने आपको और अधिक बताया लेकिन वो नहीं कैसे हो पाया, फिर से उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तीसरा जो है आगुणित आनिषेचन आगुणित आत्मनिषेचन हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस ये क्या है ध्यान दीजिएगा, जब आगुणित अन्न कोशिका से आगुणित अंडकोशिका से बिना निषेचन के आगुणित कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे जो है आगुणित निषेचन कहते हैं। जब पौधों में आगुणित अंडकोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको आगुणित अनिषेचन कहते हैं। खास करके इसका एग्जाम्पल है धतूरा, दूसरा चौथा ये अपबीजाणुता, आप भी जानता एपोस्पोरी। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप भी जानता की खोज जो है रोजेनबर्ग, रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1907 में की। खास करके ये क्रिया जो होती है क्रेपिस और जो है पार्थेनियम नामक पौधे में जो होता है पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब बीजांड काय के बीजांड के बीजांड काय कि किसी कोशिका से ऐसे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित 2n होती हैं और यदि इस गुणकोश और यदि इस प्रकार के गुणकोश या इस गुणकोश की अंडकोशिका से नर युग्मक के संयोजन के बिना ही
संयोजन के बिना ही गुण का निर्माण होता है। गुण का निर्माण होता है तो उसे अपबीजांतता कहते हैं। अपबीजांतता की खोज रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक 1907 में किया है। खास करके क्रिया जो होती है और पार्थेनियम जैसे पौधों में पाई जाती है, ध्यान देंगे इसमें जो है बीजांड के बीजांड काय की किसी कोशिका से एक ऐसे भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसकी जिसकी सभी कोशिकाएं जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, अर्थात सब में गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। और यह इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका से नर युग्मक के संयोजन के या संयुग्मन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण बनता है तो उसे जो होता है अपबीजांडता कहा जाता है। आइए जनन की दूसरी विधि, दूसरी विधि दूसरा है आंशिक फलन, आंशिक फलन पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी ध्यान देंगे जब पौधों में अंडाशय से बिना निषेचन के भी अंडाशय से बिना निषेचन के भी फल का निर्माण होता है या फल का विकास होता है फल का निर्माण होता है तो उसे आंशिक फलन कहते हैं। जब पौधों में अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल बनता है तो उसको जो है आंशिक फलन कहते हैं। ऐसे जो बीज बनते हैं इसमें इसमें जो फल बनते हैं ऐसे जो फल बनते हैं वो बीज रहित होते हैं, अर्थात इनमें बीज नहीं होते हैं। आंशिक फलन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक आंशिक फलन, प्राकृतिक आंशिक फलन नेचुरल, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, नेचुरल पार्थेनोकार्पी। प्राकृतिक आंशिक फलन क्या है, खास करके ये जो है अंगूर, केला, अनानास इन सब में जो होता है आंशिक फलन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय स्वतः फल में बदल जाता है, स्वतः फल में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः फल में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक आंशिक फलन क्या है, इसमें अंडाशय जो होता है स्वतः फल में परिवर्तित हो जाता है और किसी जो है किसी रसायन किसी रसायन के प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती,
प्रेरणा की आवश्यकता नहीं हो सकती है, नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सी क्रियाओं में क्या होता है कि अंडाशय पर हार्मोन का लेपन कर दिया जाता है, अंडाशय जो होता है फल बन जाता है, लेकिन इसमें किसी रसायन के द्वारा प्रेरित नहीं करना पड़ता है, अंडाशय जो होता है स्वतः फल में बदल जाता है, जिसे हम आनिषेय फल कहते हैं, प्राकृतिक आनिषेय फल। दूसरा जो है कृत्रिम आनिषेय फलन, आनिषेय फलन आर्टिफिशियल पार्थेनोग्राफी, आर्टिफिशियल पार्थेनोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, इसमें मानव के द्वारा किसी रसायन से अंडाशय को फल में परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इसको हम कृत्रिम कहें। कृत्रिम में कि रसायन के द्वारा उसको फल में परिवर्तन प्रेरित किया, इसमें क्या किया जाता है, इसमें पुष्प के जो है पंकेसर को जो होता है हटा दिया जाता है, और फिर उस पर जो होता है उसके अंडाशय पर जो होता है रसायन का जैसे ऑक्सिन हार्मोन का लेपन कर दिया जाता है, जिससे जो होता है अंडाशय स्वतः फल में बदल जाता है। एग्जाम्पल में खास करके जो होता है ये टमाटर, आयोजन की तीसरी विधि बहुभ्रमुता, बहुभ्रमुता पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। ध्यान दीजिएगा, बहुभ्रमुता की खोज एंटोनी वान लीवन हाफ नामक वैज्ञानिक ने 1791 में बहुभ्रमुता की खोज एंटोनी या एंटोनी साठ पान में लोग बोलते हैं, एंटोनी वान लीवन हाफ ने 1791 में की। ध्यान दीजिए, जब बीजांड, बहुभ्रमुता क्या है, जब बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं या उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रमुता कहते हैं। जब बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उसे जो होते हैं बहुभ्रमुता कहते हैं। ध्यान दीजिए, अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना होती है, यह अर्थात हमेशा होती है, यह सामान्य घटना होती है, सामान्य घटना होती है, परंतु आवृत बीजी पौधों में
आहूत बीजी पौधों में, ये बहुत कम पाई जाती है। ध्यान देंगे, अभी हमने बताया कि बहुभौतिकता की खोज एंटोनी वान लेवेनहार्ट नामक वैज्ञानिक 1791 में किया। बहुभौतिकता क्या है? जब बीजांड या बीज में एक से अधिक, या कह सकते हैं बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने या उत्पन्न होने को बहुभौतिकता कहते हैं। अनाभिक बीजी पौधों में ये एक सामान्य घटना होती क्योंकि हमेशा होता है उसमें, और जबकि आभिक बीजी पौधों में जो है ये बहुभौतिकता जो होती है बहुत कम पाई जाती है। बहुभौतिकता भी कई प्रकार की होती है, लिखते हैं बहुभौतिकता के प्रकार, बहुभौतिकता के प्रकार टाइप्स ऑफ पाली वैज्ञानिक टाइप्स ऑफ पाली बिरयानी, ये भी कई प्रकार की होती है। नंबर वन सरल बहुभौतिकता, सिंपल पाली बिरयानी, सिंपल पाली बिरयानी सरल बहुभौतिकता क्या है? ध्यान देंगे, इसमें जो है बीजांड में अनेक भ्रूण कोष होते हैं, अनेक भ्रूण कोष होते हैं जिनसे अनेक युग्मनज जायगोट बनते हैं। क्या होते हैं? जायगोट बनते हैं, और फिर जायगोट से अनेक भ्रूण बनते हैं, जायगोट से अनेक भ्रूण बनते हैं, तो इसको हम सरल बहुभौतिकता कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड या बीज में अनेक भ्रूण कोष होते हैं जिनसे अनेक युग्मनज या जायगोट बनते हैं, और फिर जायगोट से या युग्मनज से जो होता अनेक भ्रूण बनते हैं। एग्जाम्पल में खास करके ये ब्रेस्का में जो होती है सरल बहुभौतिकता जो होती पाई जाती है। दूसरी आइए मिश्रित बहुभौतिकता, मिक्स्ड पाली बिरयानी, मिक्स्ड पाली बिरयानी, ये बहुभौतिकता जो होती है खास करके कोवा और एलियम में जो होता पाई जाती है। इसमें इस मिश्रित बहुभौतिकता में जो है इसमें बीजांड में एक से अधिक प्राग नलिकाएं प्रवेश करती हैं, प्राग नलिकाएं प्रवेश करती हैं। हमने बताया था कि जब कोई प्राग नलिका प्रवेश करती है तो उसको कितने नलयुग्मक को लेकर बीजांड आती है? साथ में दो नलयुग्मक, कितने? दो नलयुग्मक। तो दोनों नलयुग्मक जो होते हैं अंडकोशिका और द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करते हैं, तो इसमें एक से अधिक है। हमने ये लिखा कि एक से अधिक प्राग नलिकाएं जो होती हैं बीजांड में प्रवेश करती हैं।
तो दोनों नरयोग में बात जो शेष जो अतिरिक्त इसमें होते हैं, अतिरिक्त युग्मक, अतिरिक्त नरयुग्मक प्रतिमुख कोशिकाओं, प्रतिमुख कोशिकाओं यौन सहायक कोशिकाओं से, कोशिकाओं से संयोजन करके द्विगुणित 2n कोशिकाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोशिकाएं बनाते हैं और फिर इन कोशिकाओं से भ्रूण बनते हैं। इन कोशिकाओं से भ्रूण बनते हैं। क्या बनते हैं? भ्रूण बनते हैं। ध्यान देगा, ये क्रिया जो होती है ओवा या एलियम में पाई जाती है। इसमें जो है बीजांड में एक से अधिक परागलिकाएं प्रवेश करती हैं, तो जो दो नरयुग्मक होते हैं उनको छोड़कर शेष अतिरिक्त जो नरयुग्मक होते हैं वो प्रतिमुख कोशिकाओं यौन सहायक कोशिकाओं से संयोजन करके द्विगुणित कोशिकाएं बनाती है। ऐसी कोशिकाएं बनाती है जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं और फिर उन द्विगुणित कोशिकाओं से जो होता है भ्रूण बनता है। इसी को कहते हैं मिश्रित बहुभुणता। हाँ, तीसरी बहुभुणता को कहते हैं विदलन बहुभुणता, क्लीवेज, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियन विघटन बहुभुणता क्या होता है? इसमें विघटन बहुभुणता में युग्मनज, जायगोट दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है और फिर प्रत्येक भाग जो होता है प्रत्येक भाग भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये खास करके जो होता है प्रोटोलेरिया पौधे में ये बहुभुणता पाई जाती है। इसमें क्या होता है? हमने क्या बताया कि इसमें विदलन बहुभुणता में जो होता है जायगोट या युग्मनज दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक भाग जो होता है एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है या भ्रूण का निर्माण करता है और ये क्रिया जो होती है प्रोटोलेरिया नामक पौधे में पाई जाती है। चौथा ये लास्ट बहुभुणता, इसको कहते हैं अपस्थानिक, अपस्थानिक बहुभुणता। एडवेंटिक एडवेंटिक पॉलिम्ब्रियन पॉलिम्ब्रियन
आदिम बिरयानी अपास्थानिक गुणवत्ता में जो होता है इसमें बीजांड का है, बीजांड के बीजांड का है या अध्यावरण अध्यावरण की कुछ कोशिकाओं से कुछ कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण बनता है जिसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ये खास करके आम, नींबू और संतरा में ये क्रिया पाई जाती है। इसके पहले मैं इसी को आपको अपास्थानिक गुणवत्ता के नाम से, इस प्रकार जो है बहुभ्रूणता जो है जब बीजांड या बीज में जो होते हैं एक से अधिक जो है भ्रूण बनते हैं उनको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज हमने बताया था कि एंटीवन लोवेनहार्ट नामक वैज्ञानिक 1791 की है। ये चार प्रकार की होती है। प्रथम को कहते हैं सरल बहुभ्रूणता, दूसरे को कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता, तीसरे को कहते हैं दूसरे को मिश्रित बहुभ्रूणता, तीसरे को विदलन बहुभ्रूणता, ये चौथे को अपास्थानिक भूमिका कहते हैं, बहुभूमिका कहते हैं। छात्रों अभी सिर्फ समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे फिर हम कल बताएंगे।